दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं गाज़ियाबाद से हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहूँगा, मेरे पास दो पप्पीज़ हैं और ये दोनों पप्पी जो हैं डोबरमैन हैं और अमेरिकन डोबरमैन है। ये इनका कलर ब्राउन है और दोनों ही मेल हैं। अभी इनकी एज 7 मंथ है और जब मैं इनको लेकर आया था ये दोनों 1 मंथ के थे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस लास्ट 6 मंथ का कि मैंने क्या कुछ फेस किया है इनको 7 महीने तक बड़ा करने में और क्या क्या इनकी डाइट वगैरह और सब कुछ, क्या एक डोबरमैन पप्पी की जर्नी रहती है जब आप कोई डोबरमैन पप्पी लेकर आते हैं उसको बड़ा करने में, क्या आपको पॉजिटिव्स मिलेंगे क्या आपको नेगेटिव्स मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो है 1993 से डोबरमैन रख रहे हैं और वही हमारा रीज़न था फिर से डोबरमैन रखने का, क्योंकि हमें पहले से इस ब्रीड की नॉलेज थी इसलिए हम फिर से डोबरमैन ही रखना शुरू किया हमने। तो ये दोनों मेल हैं और जैसे कि सबको पता ही है कि डोबरमैन ब्रीड जो है काफ़ी अग्रेसिव ब्रीड होती है क्योंकि ये गार्ड डॉग्स होते हैं। तो इनको रखना, बहुत लोग जो है डरते हैं डोबरमैन को रखने में कि ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे, फैमिलियर होंगे या नहीं होंगे, फैमिली के लिए सेफ होंगे या नहीं होंगे। तो उस चीज़ को मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने डॉग के साथ थोड़ा फ्रेंडली रहेंगे थोड़ा सा भी, तो वो बिल्कुल आपके लिए ख़तरनाक नहीं होगा। पर जो आप आउटसाइडर्स होते हैं, मतलब फैमिली से अलग के लोग होते हैं, उनको वो बिल्कुल लाइक नहीं करते, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि उनके और उनके जो फैमिली वाले लोग, मतलब उनके जो मालिक होता है उसके अलावा वो और किसी को बर्दाश्त नहीं करते अपने घर में। और ये जो है दो डॉग्स एक साथ पालने का और दोनों ही मेल पालने का रीज़न ये है कि एक तो मैं जो है ब्रीडर नहीं हूँ, मैं इनका ओनर हूँ, तो मेरे को दोनों ही मेल चाहिए थे। और एक चीज़ और, दो पप्पीज़ एक साथ पालने का कि जब दो डॉग एक साथ होते हैं तो वो थोड़ा कम अग्रेसिव होते हैं, उनको अकेला कम रहता है डॉग, अकेला ज़्यादा रह के भी डॉग ज़्यादा अग्रेसिव होता है। और ये दोनों एक साथ रहते हैं तो खेलते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, मतलब हमको इनको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। बस ये है कि इनको खाना देने का टाइम होता है, थोड़ा जितना खुद का मानो इनके साथ खेल लो, उससे अलग ये खुद एक साथ खेलते रहते हैं, हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता। ये दोनों भी एक दूसरे का ध्यान रख लेते हैं, जी हाँ, ये इतने समझदार हैं कि ये एक दूसरे का ध्यान रख लेते हैं। और मैं आपको इनकी डाइट के बारे में बता दूं, स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने तक मैंने इनको सेरेलैक भी दिया था, फिर कुछ दिन बाद ही मैंने इनका स्टार्टर शुरू कर दिया था, मतलब 4 महीने तक मैंने सिर्फ इनको डॉग फूड पे रखा है। उसके बाद जो है मैंने इनको फिर थोड़ा घर का खाना भी शुरुआत देना शुरू कर दिया था। अब मैं इनको डॉग फूड भी देता हूँ और साथ में थोड़ा घर का खाना भी खिलाता हूँ, क्योंकि नेचुरल डाइट भी ज़रूरी होती है। और आपको इनकी ग्रोथ जो है दिख ही रही होगी, अब ये 7 महीने के हो गए हैं, काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है, नियर 25 kg इनका वेट हो गया है, अब ये 7 मंथ के हैं। मैंने इनको जो है सारी वैक्सीनेशन टाइम पे कराई थी, डबल वैक्सीनेशन कराई थी इनकी, मतलब हर वैक्सीन के मैंने इनको जो है बूस्टर भी लगाए थे। और एकदम बहुत ज़्यादा फैमिलियर रहते हैं हमारे साथ, तो और काफ़ी अच्छी ब्रीड है ये। और डोबरमैन का एक मेन रीज़न ये भी था कि अगर मैं और कोई ब्रीड पे जाता, मतलब एक तो मेरे को गार्ड डॉग ही चाहिए थे, उसमें फिर जर्मन शेफर्ड रॉटवाइलर आ जाते हैं, तो उनकी थोड़ी हेयर फॉल वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है और मुझे उन ब्रीड्स की थोड़ी नॉलेज भी कम थी, तो इसलिए फिर हमने जो है डोबरमैन पर ही जाना सही समझा। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा, मेरे जो ये दोनों डोबरमैन पप्पीज़ हैं, मैंने इनका एक YouTube चैनल भी बना रखा है और एक Instagram पेज भी। जो इनका YouTube चैनल है वो ब्राउन डोबरमैन के नाम से है और जो इनका Instagram पेज है वो SS डोबरमैन के नाम से है। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उन दोनों ही चीज़ों का। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए कि मैं इनसे रिलेटेड, कि डोबरमैन पप्पीज़ की डाइट से रिलेटेड, इनकी हेल्थ से रिलेटेड और भी कोई भी आपके क्वेश्चन हो, तो आप मेरे को जो है Instagram पर जाकर फॉलो करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आपको कोई भी एक्टिविटीज़ देखनी हो, मैं इनकी वीडियोस में पोस्ट करता रहता हूँ, आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये दोनों जो हैं सेम लीटर के ही हैं, दोनों भाई हैं और दोनों खेलते हैं, खेलते खेलते दोनों लड़ते भी हैं, मतलब इनका बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारा होता है, हम दो भाई एक साथ बड़े होते हैं तो खेलते भी हैं लड़ते भी हैं, ऐसे ये दोनों भी खेलते खेलते काफ़ी लड़ते भी हैं, पर कभी एक दूसरे को बाइट नहीं करते, मतलब एक लेवल तक जाते हैं फिर दोनों शांत हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद फिर खेलना शुरू कर देते हैं।
और दो डॉग्स एक साथ पालने का मैंने एक बेनिफिट और देखा है, सेम ही लीटर के मतलब एक ही माँ के दोनों बच्चे पालने का मैंने एक चीज़ और देखी है कि जो इनके बीमार होने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, दो डॉग एक साथ रहते हैं तो ये उधर उधर कम ध्यान देते हैं, आपस में खेलने में अपने माइंड को वहाँ ज़्यादा फोकस रखते हैं, तो इनकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बीमार होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जो खाना खाने के जो इनका तरीका होता है, मतलब अगर एक डॉग का मन नहीं भी कर रहा होता ना खाना खाने का, तो दूसरा अगर खाता है तो उसको देख के वो भी खा लेता है कि ये खा रहा है तो मैं भी खाऊंगा, तो फिर इनकी वो वाली प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है कि बहुत बार डॉग का मन नहीं होता खाना खाने का या वो थोड़ा मूडी हो जाता है, तो फिर ये एक दूसरे को देख के कि ये खा रहा है तो मैं भी खाऊंगा, मतलब कोई काम करते हैं तो एक दूसरे को देख के करते हैं, उस चीज़ में काफ़ी मज़ा आता है इनको देख कर। और दोनों ही बहुत अच्छे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही दोनों को एक साथ रखने में, तो मैं तो यही आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपके पास जगह है, जैसे हमारे पास काफ़ी जगह है, हमारा काफ़ी बड़ा एरिया है हमारे पास, तो अगर आपके पास भी जगह है तो आप दो डॉग एक साथ रखिए, उससे आपकी भी हेल्प हो जाएगी और साथ में डॉग की भी हेल्प होगी। और मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, मतलब आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, चाहे आपके पास किसी भी ब्रीड का कोई भी डॉग है तो आप को मैं थोड़ी एडवाइस देना चाहूँगा कि आप उसकी देखभाल कैसे करें, उसकी डाइट का कैसे ध्यान रखें। तो मैं इनकी डाइट का मैं ही रख रहा हूँ 7 महीने से ध्यान, तो मैंने इनको कभी भी ज़्यादा मतलब ना तो ज़बरदस्ती इनको खिलाया ना इनको कम खिलाया, वो आपको इनकी एक्टिविटीज़ से पता चल जाएगा कि इनको कितनी भूख लग रही है। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा दोनों कितने शांत लेटे हुए हैं, ये मतलब सोने वाली पोजिशन में है, या तो सो गए होंगे या थोड़ी बहुत देर में सो जाएंगे, क्योंकि ये लास्ट 3 घंटे से लगातार दोनों खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, मतलब पूरे में भागते भागते कभी एक मतलब इनको बॉल दे दी, एक दूसरे के एक के पास बॉल आ गई वो उसके पीछे भाग रहा है, फिर दूसरे के पास आ गई वो उसके पीछे भाग रहा है, ऐसे करके दोनों खेल रहे हैं। अब ये थके हुए हैं, अब ये थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और जब इनका खाने का टाइम हो जाएगा, इनको पता होता है तुम्हें किस टाइम खाना मिलेगा, तो ये उस टाइम पे हमको इंडिकेट कर देते हैं कि अब हमारा खाना ले आओ, अब हमसे भूख कंट्रोल नहीं हो रही है, ये फिर भौंकने लगते हैं अपने खाने के टाइम पे जब इनको भूख लगनी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई बोलता है कि सिर्फ डॉग को 2 टाइम खाना दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब ये इनकी ग्रोइंग एज है, हम इनको अभी इनको 3 से 4 टाइम भूख लगती है और हम इनको ज़बरदस्ती 2 टाइम खाना दें तो उससे इनकी हेल्थ पर फ़र्क पड़ेगा, इनकी इम्यूनिटी भी वीक होगी और इनकी जो ग्रो होने की जो इनकी क्षमता होगी वो भी कम हो जाएगी, इनकी हाइट वगैरह सब कम रह जाएगी। तो हमने तो स्टार्टिंग में इनको तब ये 2 महीने तक तो हमने इनको 5-5, 6-6 टाइम भी खाना दिया है, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में मत दो जो ये इजीली डाइजेस्ट कर सकें, क्योंकि इनका लीवर बहुत स्टार्टिंग में छोटा वीक होता है। फिर उसके बाद हमने इनको 5 टाइम से 4 टाइम पे भी ले गए, मतलब धीरे धीरे, अभी फ़िलहाल ये 7 महीने के हो गए हैं और हम इनको 3 टाइम खाना देते हैं और उसी हिसाब से देते हैं जितना इन एक टाइम में ये मतलब उस 6 घंटे के टाइम पीरियड में ये डाइजेस्ट कर सकें। तो आप भी उस हिसाब से अपने पप्पी की डाइट जो है प्लान करें, देखें कि वो खाना डाइजेस्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसके खाने की स्पीड क्या है, उस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि हाँ मेरा डॉग सही से खाना खा रहा है या नहीं खा रहा। मतलब जैसे आपने इसको दे रखा है, आप 100 ग्राम डॉग फूड दे रहे हैं अपने डॉग को और वो उसको खाते खाते बार बार इधर उधर देख रहा है और थोड़ा बार बार जो है अपना बर्तन छोड़ के जा रहा है, तो मतलब यही है कि आप उसको ज़्यादा खाना दे रहे हैं। और अगर आप उसको खाना दे रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती फुल स्पीड से खा रहा है उसको और खाने के बाद भी वो आपकी तरफ देख रहा है, तो मतलब आप समझ जाइए कि आप उसको थोड़ा कम खाना दे रहे हैं, आपको उसकी डाइट थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, उसको ज़्यादा भूख लगती है, वो खाना उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने डॉग को अच्छे से पालना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसकी अच्छी इम्यूनिटी रहे, तो उसके लिए उसकी एक्सरसाइज होना भी ज़रूरी है, मतलब सुबह शाम उसको 1-1 घंटा तो कम से कम खिलाइए और उसकी डाइट का ध्यान रखिए, ना तो उसको ज़्यादा खिलाएं ना उसको कम खिलाएं, तभी आपका जो डॉग है वो एक अच्छा डॉग बन पाएगा, उसकी अच्छी हेल्थ होगी। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे आपके साथ यही शेयर करना था अपने इन पप्पीज़ के बारे में और जो भी मेरा एक्सपीरियंस था डॉग से रिलेटेड।